राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में मंगलवार देर रात युवक की हत्या के बाद तनाव बना हुआ है। हिंदू संगठनों से आज यानी बुधवार सुबह बाजार को बंद करवा दिया गया। वहीं प्रशासन ने एक बार फिर इंटरनेट बंद कर दिया है। हालातों को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया। हिंदू संगठन ने एक चौराहे पर एकत्रित होकर बैठे हुए हैं। हालांकि मामले में 3 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया, मगर हिंदू संगठनों का कहना है कि नाबालिगों के आड़ में किसी और युवक ने ही मौत के घाट उतारा है। तनाव की शुरुआत मंगलवार देर रात को हुई, जब शास्त्री नगर में 20 साल का आदर्श तपाड़िया स्कूटी पर जा रहा था। इस दौरान बाइक पर सवार 2 युवकों ने उसे रोका और उसके सीने में चाकू मार दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद शहर के महात्मा गांधी अस्पताल में भीड़ जमा हो गई। परिवार ने शव को लेने से मना कर दिया और माहौल गर्म हो गया। मृतक के परिजनों ने वहीं 20 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की है और आरोपियों को गिरफ्तार करने की भी मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।